ଆଜି ଦେଶ ପାଳୁଛି ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ। ହକିର ଯାଦୁଘର ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆଜିର ଦିନକୁ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏ ଅବସରରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଦିଲୀପ ତିର୍କି ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଦେବାକୁ ଦାବି ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ସେଠାରେ ବନ୍ଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହକି ମ୍ୟାଚ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ପୂର୍ବତନ ହକି ଖେଳାଳିମାନେ ଯୋଗଦେଇ ହକି ଖେଳକୁ ନେଇ ନିଜର ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। स्पोर्ट्स के माध्यम से यदि भारत के पहचान किसने बनाई थी तो वो है ध्यानचंद जी। सो सचमुच वो हमारे आइडल हैं, आज भी हम गर्व करते हैं और आज उनके दिन पे आज हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसलिए कि हम उनको याद करें। याद करना हमारा फर्ज है, ये जो हमारे लिए काफी कुछ स्पोर्ट्स के लिए हॉकी में हमें दे दिए हैं। जो मेडल आया है और जैसे 2020 टोक्यो में आया है तो स्पोर्ट्स के लिए और अच्छा है और हॉकी के लिए, तो ये हम लोग के लिए मतलब आज का दिन यादगार है और जो मेडल आया है वो भी यादगार है। 41 साल बाद आया है। थैंक यू कहना चाहूँगी कि सेम सर को कि मतलब हमारे हॉकी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं भी ऐसा करती हूँ, आगे भी अच्छा से करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे इस बार हम लोग ओडिशा से 4 प्लेयर तेज आज रिलीज है हॉकी एंथम डमी वीडियो, या को पूर्वतन कैप्टेन दिलीप तिर्की लोकार्पित कर देश समस्त हॉकी खिलाड़ी को उत्साहित करने एंथम प्रस्तुत हो। राज्य सरकार और हॉकी इंडिया अनुमति नहीं स्वतंत्र वीडियो प्रस्तुत हो। म्यूजिक देखते ओडिया संगीत निर्देशक प्रेमानंद कैलाश खेर एवं सुखविंदर सिंह यह आंथेम गाइबे। 3 मिनिट्र वीडियो रे कलिंग स्टेडियम समेत खेल खिलाड़ी एवं राज्य सरकार को प्रोत्साहन स्थानित होता क्या हॉकी इंडिया आंथेम सॉन्ग करने गोटा प्रयास चली, जेहेतु ओडिशा पुणी 10 वर्ष पाई ओडिशा गवर्नमेंट पुणी आपको उत्साहित प्रोत्साहित कर तेणु हॉकी टीम को लेकर हॉकी को लेकिन जो स्वप्न देखुवा सब भाई भौनी मानक उत्साहित करने गोटे आंथेम बनाई आशा कर समस्त भल लगे और जो ओरिजिनली आम फुटेज नहीं सुटिंग करपरली आसा नेशनल वाइड हो आशा विश्वास एवं ओडिशा पलटि स्पोर्ट्स कैपिटल। ओलंपिक रे प्रदर्शन निश्चित भाव में युवपीढ़ी को खेल प्रति आकर्षित और प्रोत्साहित कर। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सुमंत सुशांत साहू रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।